हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के मेथी आलू सब्जी। नवरात्रों में हम लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, तो सोचते हैं कैसे सब्जी बनाएं। आज हम ये बताएंगे नवरात्रों में बिना लहसुन प्याज की सब्जी कैसे बनाते हैं मेथी आलू। ये हमने आलू काट लिए हैं धो कर के, और मेथी को साफ़ करके धो कर के काट लिया है। और ये हमने टमाटर लिया है, अदरक और मिर्ची और जीरे का तड़का लगाएंगे। ये देखिए जीरा, और हम साथ में अदरक डाल देंगे पहले आपको बताया था ना, मिक्स कर लिया है अपने स्वाद के अनुसार हल्दी, नमक और लाल मिर्ची में डाल दिए। अच्छे तरह से थोड़ा सा इसको फैला लेंगे। हो गया, अब इसमें हम मेथी डालेंगे। देखिए मैंने मिर्च डाल दिया, इसको लगा जाए ऐसे तो अपने आप नीचे बैठ जाए। हम गैस थोड़ा तेज कर दिए हैं, थोड़ा ऊपर कर दिए हैं ताकि इसका पानी सूख जाए। ये देखिए हम ये मेथी ने पानी छोड़ दिया है। देखिए अब इसको तब तक भूनना है जब तक पानी सूख नहीं जाए। अब पानी छोड़ते हैं तो अब इसमें आलू डाल देंगे। पानी सूखने तक हम इसको ढक के रख देंगे। दस मिनट और रखेंगे क्योंकि अभी इसमें पानी है। जब अच्छी तरह तेल छोड़ जाएगी फिर हम इसको बंद कर देंगे। देखिए पानी सूखना शुरू हो गया, क्योंकि ये मेथी है इसलिए इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। आपको लगे कि बहुत सूखा सूखा है तो इसमें थोड़ा तेल ऐड कर दें। जैसे अब सूख गया है तो इसमें हम थोड़ा तेल और डाल देंगे ताकि ये तरावट में रहे और अच्छी लगे। देखिए जब ये तेल सब्जी छोड़ गए तो आप खुले में पकाना है इसको। और भी नहीं आ चुका, गैस को कम कर दीजिए 5 मिनट तक, पानी छोड़ने तक ऐसे ही रखें। अब इसका पानी सब सूख चुका है और ये तैयार है
बन चुकी है, देखिए आटो भी गल चुके हैं। ये देखिए नवरात्रों की सब्जी मेथी आलू की, बनाइए और खाइए।